हम बताने वाले हैं कि साइप्रस में आप कौन से काम नहीं कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो वर्क वीज़ा पे हो, चाहे वो आप लोग इधर खुद की टैक्सी नहीं चला सकते। ये देखो भाई, अकेली अकेली खा रही है, हमें नहीं दे रही है। अकेले अकेले खाना होता है क्या आपको सारा कुछ है? हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग और स्वागत है आप लोगों का एक और न्यू वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। भाई बाहर को आए हुए थे तो कुछ खा पी रहे हैं, ये दो कॉफ़ी लिया है, कॉफ़ी बहुत टेस्टी है यार। और ये एक वो लिया है, पालक होती है इसमें, जैसे हमारे इंडिया में मिलती है ना पैटी, आलू की पैटी, ये पालक की पैटी है, इसमें पालक होता है ना। टेस्टी है पालक, कैसा है? स्पिनच। सोचा आज थोड़ा सा फोटोग्राफी कर ले, इसलिए कैमरा भी लेके आए हैं साथ में। तो बाहर को बैठे हैं, बोलो, कुछ बोलना नहीं चाहते हो आप सब्सक्राइबर्स को? मैं स्पिनच पाई खा रही हूं, आप लोग रोटी खाना पा जाओ। अच्छा, तो भाई बने रहिए ब्लॉग के साथ। जो लोग न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की वीडियो में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी होगी, थोड़ा सा घूमेंगे भी, क्योंकि आज महिमा की छुट्टी है, तो साथ साथ करेंगे थोड़ा सा फोटोग्राफी। ये मेरे साथ मेरा कैमरा है, मिररलेस कैनन का, ठीक है जी। तो करेंगे बाद में फोटोग्राफी बाद में। तो खा पी लें पहले, खा के हम आगे की बात शुरू करेंगे। महिमा जा रही है बाल सेट करवाने थोड़े से, ये मेरा पैसा उड़ाएगी अभी। इसकी जो फ्रेंड है ब्यूटी पार्लर वाली, ये इसको फ़ोन करके बुला रही है। तो भाई इसकी जो फ्रेंड है ब्यूटी पार्लर वाली, वो 5 बजे आएगी। अच्छा हुआ हमारे पैसे बच गए। नहीं बचेंगे, पर 5 बजे आएगी। बाहर आए हैं, थोड़ा सा व्यू चेक करो, सनसेट हो रहा है। तो आज का जो खास वीडियो, जैसे कि आपने देख ही लिया है टाइम थंबनेल पे, कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे कि हमारा वीडियो होता है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। हम बताने वाले हैं कि साइप्रस में आप कौन से काम नहीं कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो वर्क वीज़ा पे हो, चाहे वो टूरिस्ट हो, कोई भी हो, ठीक है। तो वो काम जो बहुत लोग पूछते हैं, भाई मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, उनमें से कुछ काम होते हैं वो नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पहला काम है हॉस्पिटल में जॉब। जैसे कि हॉस्पिटल में कुछ बड़े काम होते हैं ना, जैसे डॉक्टर हो गया, ऑपरेशन करने के लिए हो गया, या नर्स हो गई, कुछ बड़े काम के लिए, मीन्स हैवी काम नहीं कर सकते हैं हॉस्पिटल में, उनके लिए बहुत इधर के लोग ही हायर किए जाते हैं। जैसे छोटे मोटे काम कर सकते हैं, जैसे क्लीनिंग का काम मिल गया, इधर उधर कुछ हेल्पर कुछ हो गया हॉस्पिटल में, सामान रखने के लिए इधर उधर, है ना, वो हो सकता है। तो बाकी तो नहीं हो सकता, जो जो कि जिनके लिए बड़ी जो स्टडी चाहिए, और बाकी कुछ और भी काम है मैं बताता हूँ। जैसे कि कुछ लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का काम के लिए वो बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का जो होता है ऑफिस, उनमें हम काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ इधर के लोग ही करते हैं वो काम, सरकारी बंदे होते हैं जो बिजली के ऑफिस होते हैं, तो वो भी नहीं कर सकते। ये देखिए बिल्ली, अभी महिमा बिल्ली के पास जाएगी, चलो बैठ जाओ। तो आप डराते हो वैसे, हाँ ऐसे करो, मैं करता हूँ, साइड हो जाओ। ये देखो ये क्या कर रही है यार, क्या कर रही है, ये पगलाए गई है। वैसे इधर बहुत बिल्लियाँ होती हैं, पूरे साइप्रस में बिल्ली है, इनका भी कुछ अलग ही हिस्ट्री है, आप लोग इंटरनेट पे चेक करना इनका हिस्ट्री क्या है, ठीक है। बोलते हैं कि आइलैंड पे बहुत ही ज़्यादा सांप थे, उनको सांपों को ख़त्म करने के लिए इधर बिल्ली बिल्लियाँ छोड़ दी गई, और बिल्लियाँ सारी हैं कि सांपों को खा गई, ऐसी हिस्ट्री मैंने सुनी है। आप कोई भी सरकारी जॉब नहीं कर सकते हैं, सरकारी जॉब करने के लिए आप लोगों के पास इधर की सिटीजनशिप होनी चाहिए। सिटीजनशिप मीन्स पासपोर्ट होना चाहिए, पेपर होने चाहिए। बिना डॉक्यूमेंट के अपना खुद का कोई बिजनेस भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इधर बिजनेस करने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए।
और डॉक्यूमेंट इधर की गवर्नमेंट देती नहीं है जल्दी। इंटरनेट पे लिखा है 7 साल बाद पीआर मिलेगी, लेकिन पीआर फिर भी नहीं देते हैं ये लोग। बहुत प्रॉब्लम करते हैं, निकाल ही देते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। तुम्हारा ये था, चलान हुआ था, तुमने चलान नहीं भरा, तुम पे ये केस था, तुमने ये रूल तोड़ा था, ऐसे ऐसे छोटे छोटे कानून इनके नुक्स निकालते हैं रहते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम निकालते हैं, तो वो फिर बंद हो जाते हैं, तो वो फिर पीआर नहीं मिलती है। तो पीआर नहीं मिलती तो आप लोग कोई बिजनेस नहीं कर सकते हैं। और तीसरा चौथा जो है, आप लोग इधर खुद की टैक्सी नहीं चला सकते, खुद की टैक्सी नहीं चला सकते हैं, क्योंकि उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, और लाइसेंस गवर्नमेंट उन्हीं को देती है जो इधर सिटीजन है, जो जिनके पास पीआर है। कुछ लोग इधर टैक्सी चलाते हैं लेकिन वो चोरी चलाते हैं, वो सिर्फ गवर्नमेंट को पता नहीं चलता है वो टैक्सी चला रहे हैं। लेकिन जैसे मैं दोस्त को छोड़ने चला गया, मैंने उससे पैसे लेने हैं, लेकिन अगर पुलिस ने मेरे को रोक लिया तो मुझको ये बोलना पड़ेगा, ये मेरा दोस्त है, मैं पैसे नहीं ले रहा हूँ इससे, ऐसे ही ड्रॉप कर रहा हूँ इसको मैं। यार कितने इधर, कभी कभार मैं इधर आ जाता हूँ, इन्फॉर्मेशन देते देते हम सोच रहे हैं कि इन पत्थरों पे आगे जाएं। क्यों नहीं जा पाएंगे यार, वो देखो, मैं जाता हूँ। ये तो डर गई इसी चैलेंज से, मैं जाके आता हूँ उधर लास्ट तक पत्थरों पे, देखते हैं अभी चलते हैं कि नहीं। ओ इधर बॉल पड़ी हुई है, ये पत्थर बहुत नुकीले हैं, बहुत ही ज्यादा। ये लो बॉल, हाँ हाँ रहने दो, आप मत आओ, ये आगे आगे, ये पत्थर बहुत ही अलग अलग स्टाइल के हैं। तो हम तो आ गए लास्ट तक, इधर से समंदर शुरू होता है, लास्ट तो वैसे वो है, ये आसान ही है इधर से, इधर 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 जाएंगे तो आसान ही रहेगा। पीछे से मुश्किल था, जो बड़े बड़े कूदने थे वो उधर ही खड़ी रह गई बेचारी। तो हम वापस जाके वीडियो शुरू करते, रहने दो, वो उधर नुकीला है। तो बहुत ही ज़्यादा वेट करने के बाद महिमा की बारी आ चुकी है भाई, अभी खुश लग रही है पूरी आज। अभी सूखे नहीं है तो जब सूखने के बाद देखेंगे कैसे होते हैं। तो भाई इसके बाल हो गए हैं, कैसे लग रहे हैं, हिलाओ थोड़े से बाल, क्या बात है, हाँ हाँ अच्छे अच्छे हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है?